नॉलेज है वो कैसे बरकरार हो पाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो अगर मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि आपको एनसीईआरटी यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइन टू लाइन सिखाया जाता है। तो अगर आप जेई है, नीट है या आप बोर्ड कोई भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर 8 से 9 डेली क्लास चलता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, कहानी चालू करते हैं। यहाँ पर कह रहा प्रतिशत संगठन, तो संगठन मतलब क्या होता है? जिससे मिलकर बना हुआ है। संगठन मतलब क्या होता है भाई? किस जिससे मिलकर के बना है। ठीक है, तो किससे मिलकर बना होगा? तो कहेंगे तत्वों से मिलकर बना होगा। तो हम कहेंगे तत्व, अब नाम ही देखो, नाम से ही परिभाषा निकालेंगे। प्रतिशत संगठन, संगठन मतलब कंपोजिशन, किससे मिलकर बना है? तो कहेंगे भाई तत्वों से मिलकर बना है, यानी तत्वों का प्रतिशत, यानी किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, इसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। बात आया समय? यानी किसी यौगिक के प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान, प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान, इसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रतिशत संगठन कहलाता है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, चलिए अब कह रहा है किसी तत्व का जो द्रव्यमान प्रतिशत है उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालोगे? तो कह रहा है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान जिसका आपको निकालना होगा बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान। यौगिक का क्या होगा? आणविक द्रव्यमान। जैसे हम लोग यूरिया, जैसे मान लो आप क्या करते हो, अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, यानी आप खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसान के बच्चे हैं, है ना, तो देखे होंगे कि यूरिया के बोरी पर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा लिखी होती है। कितना? 46%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है? 46, यानी 46%। क्यों होता है, कैसे होता है, उसको अभी हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। अभी हम उसे कैलकुलेशन से हम बताएंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत मात्रा है वो कैसे होगा। तो वही कह रहा है कि मान लो यूरिया है, तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होगा उसको लिख लेंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान बटे, यानी यौगिक, यौगिक मतलब यूरिया, यूरिया का आणविक द्रव्यमान मतलब अणु भार, ये ध्यान में रखें। आणविक द्रव्यमान में मतलब क्या होगा, इसी को हम अणु भार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अणु भार, इसमें, या हम कहीं कहीं मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। बात आया इसमें? चलिए अब यहां पर हो गया हमारा मतलब डिफिनीशन। प्रतिशत संगठन मतलब किसी यौगिक के प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका क्या कहेगा, प्रतिशत संगठन कहलाएगा। जैसे अब कह रहा है कि हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोरेट का प्रतिशत संगठन बताइए। इसका मतलब, इसका कहने का ये मतलब है कि इसमें पोटेशियम क्लोरेट में के कितना है, सीएल कितना है और ऑक्सीजन कितना है, यानी प्रतिशत मात्रा इसकी कितनी है। बता रहा है, ये पूछ रहा है प्रतिशत मात्रा कितनी है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे बताओगे? देखो यहां पर अगर हम बात करें तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, यौगिक का आणविक द्रव्यमान। अभी हमने देखा, यानी पोटेशियम क्लोरेट का क्या निकालना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान या अणु भार, यही निकालोगे। अच्छा, अब पोटेशियम का देखिए, पर पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, अब ऐसे दे देगा कोष्टक में, के बराबर 39, सी एल बराबर 35.7, 35.5 और ऑक्सीजन बराबर क्या होता है, 16। अगर नहीं दिया है तो एग्जाम में आपको याद करके जाना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करोगे, याद करके जाओगे। कैसे? तो कह रहा है पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 19। तो 19 दूनी कितना हो जाए, मैंने कहा था कि अगर विषम है तो, विषम है तो 2 गुना + 1 कर देंगे ना, कल मैंने बताया था इसके बारे में। तो 19 दूनी 38 और 1 39, तो वही लिखा हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा, अब कह रहा है पोटेशियम क्लोरेट का अणुभार निकालना है, तो पोटेशियम कितना है, कहेंगे 1 है तो 1 लिखोगे, और 1 का परमाणु भार कितना है, 39, तो यहाँ लिखोगे 39, उसके बाद लगाओगे प्लस। क्लोरीन कितना है, तो कहेंगे क्लोरीन तो 1 है और इसका परमाणु भार कितना होता है भाई, 35.5, वो ले लिए। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाओगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 3 है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 39 × 39 हो जाएगा और प्लस 35.5 हो जाएगा,
और 16 तिया 48 हो जाएगा, बात आया इसमें। अब इसको आप अगर जोड़ोगे तो आएगा कितना, 122.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 122.5 आ जाएगा। यानी ये तो हो गया अर्धभारा। अब कह रहा है कि हमें परिषद संगठन निकालना, तो पोटेशियम का अलग निकालेंगे, तो क्या लिखोगे, पोटेशियम का प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान, तो पोटेशियम का जो प्रतिशत द्रव्यमान बराबर क्या लिखोगे, तो लिखोगे पोटेशियम का द्रव्यमान, ये ना होगा, पोटेशियम का द्रव्यमान लिखा गया था यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यानी पोटेशियम का द्रव्यमान बटे। देव शिखा चौहान, गुड इवनिंग, और आप लोग अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ताकि आपको कहीं भी आप जाइए तो 100% कंसेप्ट आपका क्लियर होके जाइए, ठीक है। तो पोटेशियम का जो द्रव्यमान है बटे, पोटेशियम किस में उपस्थित है, तो कहेंगे पोटेशियम क्लोरेट में, यानी यौगिक है, तो यौगिक का द्रव्यमान यानी पोटेशियम क्लोरेट का आणविक द्रव्यमान या अणुभार, या तो आणविक द्रव्यमान कहिए या तो अणुभार कहिए, और गुणे क्या लगाओगे, 100, बस काम खत्म। अब पोटेशियम कितना है भाई, तो पोटेशियम है आपका, देखिए पोटेशियम का द्रव्यमान कितना है इसमें, तो कहेंगे 39 है, ये ना है, तो यहाँ कहेंगे 39 बटे पोटेशियम क्लोरेट का कितना है, तो कहेंगे 122.5 और गुणे 100, बात है इसमें। यानी टोटल कहें तो पोटेशियम क्लोराइड कितना है, तो हम कहें 122.5 ग्राम है, ऐसे समझ लेंगे 122.5 ग्राम है, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट कितना है, 39 ग्राम है, तो इसका परसेंटेज ही तो निकालोगे। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, जैसे आपका पेपर हुआ भाई 100 नंबर का, या मान लो 70 नंबर का पेपर हुआ, तो 70 नंबर का मान लीजिए पेपर हुआ, तो आपका नंबर कितना आया, मान लीजिए 60 आ गया, तो ऊपर 60 लिखते हो, यानी आपके द्वारा प्राप्त किया गया नंबर बटे कुल नंबर, गुणे क्या है 100, ऐसे ना परसेंट निकलता है, तो सेम यहाँ भी वैसे निकलेगा। तो 39 बटे क्या हो जाएगा, 39 हो गया बटे 12, 122.5 गुणे 100, तो इसको जब आप गुणा करोगे तो जिसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 390, और इसका 200 गुणा का दो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 100 खत्म कर जाएंगे, तो 1200 हो जाएगा 25। अब इससे जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे 31.84% आएगा, कितना आएगा, 31.4% आएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि Cl का, ये तो पोटेशियम, यानी पोटेशियम का जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना आ गया, इतना आ गया। अब Cl का जो प्रतिशत द्रव्यमान है, यानी कितना है प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान है ना, वो कैसे निकालोगे, तो हमें कहेंगे Cl का द्रव्यमान, यानी जिसका द्रव्यमान आपको निकालना है, तो Cl का द्रव्यमान बटे क्या करोगे, पोटेशियम क्लोरेट का द्रव्यमान, यानी के Cl(O)3, यानी किस में है, तो पोटेशियम क्लोरेट है, तो पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, और गुणे क्या लिखोगे भाई, गुणे हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो पोटेशियम में क्लोरेट में क्लोरीन कितना है, तो कहेंगे 35.5 है, कितना है 35.5 है, तो यहाँ लिखोगे 35.5 बटे क्लोरेट का कितना है, तो हम कहेंगे 122 क्या है आपका, 5 है, गुणे गुणे क्या हो जाएगा आपका, 100। अब डेसिमल देखो, 1 दशमलव ऊपर है एक अंक के बाद, एक अंक के पहले, यहाँ भी नीचे भी है, तो दशमलव हटा दो तो कितना हो जाएगा, 355, और दो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 100 वाला गुणा करके, और 1200 हो जाएगा 25। अच्छा, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 28.98% आएगा, कितना आएगा, 28.98%, यानी पोटेशियम क्लोरेट में Cl जो है वो 28.98% है, क्लियर हुआ बात। चलिए अब कह रहा है पोटेशियम क्लोरेट में भाई ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन का की प्रतिशत जो मात्रा है वो कैसे निकलेगा, या प्रतिशत द्रव्यमान, तो कहा गया जिसका आपको निकालना है उसके द्रव्यमान को ऊपर बटे कुल द्रव्यमान यौगिक का, तो हमें कहेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान
ये ना होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे के सी एल ओ थ्री का द्रव्यमान गुड़े क्या हो जाएगा भाई 100, गुड़े क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना है, अब देखो इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना है, कह रहा है 16 तिया 48 है, देखिए 16 तिया कितना है 48 है, तो यहाँ से आप 48 उठा लिए तो ऑक्सीजन का हो गया आपका 48 और बटे कितना हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का कितना था 122.5 था और गुड़े क्या लिखोगे भाई 100। अब दशमलव हटा दोगे तो यह आ जाएगा 48 और जीरो बढ़ जाएगा 480 और दो जीरो गुणा कर लोगे 100 वाला और बटे कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। अब 1225 से 48 कितना है का 2000 10 48000 में भाग दे देंगे, अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बोलो जरा, तो 39.0 कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। यानी पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 39.18% है, बोलो बात आया समय। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार आप जरूर घर पे ट्राई कर लेंगे, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन का, ठीक है। एक मिनट, चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कहेगा कह दे भाई, रुक जा भाई, एक मिनट के लिए थोड़ा वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा दूसरा, कह रहा भाई साहब यूरिया में क्या कहेगा, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए, प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए, है ना, मात्रा की गणना कीजिए। एक एक क्वेश्चन है, मात्रा की गणना कीजिए। मात्रा की गणना कीजिए तो कैसे निकालेंगे, तो पहले यूरिया का क्या निकालना पड़ेगा अणुभार, तो सॉल्यूशन में जाएंगे और पहले लिखेंगे यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है बोलो जरा, NH2CO NH2, ठीक है। का आप क्या निकालेंगे, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, बात एक ही है, अणुभार बोलिए या आणविक द्रव्यमान बोलिए। अब नाइट्रोजन देखो इसमें कितना है भाई 2 है, तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है भाई 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन की कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितना होता है भाई 16 होता है, बस इतना आपको याद रखना होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन हो गया 2, तो 2 गुड़े कितना लिखोगे, तो 2 गुड़े हो जाएगा 14, प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 है 2 4, तो 4 गुड़े क्या लिखोगे 1, कार्बन कितना है भाई 1 है, तो 1 गुड़े क्या लिखोगे 12, ऑक्सीजन कितना है 1 और इसका गुणा करोगे तो 16, बोलो आया समय, बस इतना लिखना है यही।
अब देखो 12 दूनी 24, 4 एकम 4, 12 एकम 12 प्लस 16, ये ना होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो हो गया 24 और यहाँ पर हो गया 6 30 10 40 और 10 50 6 56, कितना हो गया यहाँ पर, हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। चार एकम चार कार्बन हो गया, 14 दुनी 28 हो रहा था, तभी तो गड़बड़ आ रहा, 14 दुनी 28, तो 28 और यहाँ पर अगर बात करें ये हो गया 28 और प्लस जो है आपका कितना हो गया 4, तो 28 2 30 10 40 और 10 50 10 60, यानी यूरिया का अणुभार कितना होता है भाई, 60 होता है, ठीक है। अच्छा अब नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन की का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या लिखोगे, तो लिखोगे द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत द्रव्यमान, यानी नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है यूरिया में, तो क्या लिखोगे नाइट्रोजन का द्रव्यमान बटे यूरिया का द्रव्यमान, क्या लिखोगे यूरिया माने यौगिक का द्रव्यमान, यूरिया का अणुभार, सॉरी आणविक द्रव्यमान, या अणुभार कहिए या आणविक द्रव्यमान कहिए, गुणे क्या हो जाएगा भाई 100, क्या हो जाएगा 100। अब नाइट्रोजन कितना था, विजय चौहान गुड इवनिंग, ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है देखिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है भाई 28, कितना है 28, तो यहाँ हो गया 28 बटे यूरिया, यूरिया का अणुभार कितना है 60 है, और गुड़े क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ हो जाएगा 0 से कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर भाग दोगे तो ये हो जाएगा 280 बटे कितना हो जाएगा 6। अब सोचिए कि अगर 6 का टेबल पड़ी है तो 6 दुनी 12 6 3 18 6 4 24, है ना, तो 6 4 24 हो जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा और 6 6 36 यानी 46 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 यानी 46.6 कितना आ जाएगा 6 6% आएगा, कितना आ जाएगा 46.6% आ जाएगा। तो इसीलिए यूरिया का जब बोरी देखते हो तो यूरिया के बोरे पर क्या लिखा होता है नाइट्रोजन 46% यानी 46%, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि देखो लूट रहा है ना, कितना 46% दिया हुआ है, तो क्यों दिया है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन भी होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 46% होता है, इसलिए वहाँ पर लिखा होता है 46.66%, ठीक है। चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए, कॉपर की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए, प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए, इसको सॉल्व करके गणना कीजिए। अगर आपको सॉल्व कर रहे हो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तक अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिख करके भेजेंगे, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हो, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारे पास क्या, तो हमने ये बात कर लिया परिषद संगठन के बारे में, अब हम बात करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, क्या है मूल अनुपाती सूत्र। अब देखो कह रहा है, नाम ही भाई साहब कह रहा है मूल, मूल मतलब जिससे बना हुआ, मूलतः क्या है, मूल का अनुपात यानी जिससे मिलकर के बना होगा, तो किससे मिलकर के, तो जैसे मान लो हमारे पास ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज में अगर देखेंगे तो इसमें मूल कौन कौन से तत्व हैं, तो कार्बन है, C6 होता है, H12 होता है, O6 यही ना होता है, तो मूल कौन है, मूलतः कौन तत्व है, तो कह रहा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये हो गया मूल, मूल तत्व की बात कर रहा है, और उसका अनुपात यानी वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम अनुपात को बताता है, यानी जो मूल तत्व है उनका अनुपात क्या है, किससे मिलकर के बना है, तो अगर उनके अनुपात को दर्शाता है तो उसे कहते हैं यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र, बताया इसमें, यानी वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित
विभिन्न परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है उसे हम यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। बात आया समय? तो कहोगे कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में अगर देखेंगे तो अगर C6H12O6 है, अच्छा अब अगर देखा जाए तो ग्लूकोज के अगर हम इसको कैंसिल करें तो C6H12 होगा और वो 6 है, तो इसका अनुपात देखना, तो 6 × 6 = 12 और ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 1, यानी 6 × 6 = 6 × 12 = 6 × 6, यानी C1H2O1 हो जाएगा, यानी CH2O हो जाएगा। बात आया इसमें? तो ग्लूकोज का जो मूल अनुपाती सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, CH2O होगा, क्या हो जाएगा, CH2O। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, जैसे जैसे में लिखेंगे, जैसे ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, CH2O होता है। ठीक है, अब ये बात जरूर ध्यान में रखेगा कि भाई देखो किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र से हम उस यौगिक के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। जैसे CH2O है तो ये नहीं हम कहेंगे कि भाई ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, ना ये अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसी को मैं लिखूं तो HCHO लिख सकता हूँ, बोलो HCHO हो जाएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं हम इसे, फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अगर आपको IPSC इसका नाम पता है तो आप जरूर कमेंट करिए इसका IPSC नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये एल्डिहाइड है और इसी का अनुपात देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है, कार्बन कितना है, 1, तो C1H2 और O है। बात आया इसमें? तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि मूल अनुपाती सूत्र जो है वो एक ही तत्व के लिए फिक्स नहीं है, मूल अनुपाती सूत्र जो है वो कई तत्वों के लिए हो सकता है। जैसे वही कहा गया CH2O जो है वो ग्लूकोज का भी मूल अनुपाती सूत्र है और CH2O फार्मेल्डिहाइड का भी मूल अनुपाती सूत्र है। बताया, क्लियर, समझ में आया? तो ये ध्यान में रखेंगे कि मूल अनुपाती सूत्र से हम किसी यौगिक के बारे में नहीं बता सकते कि वो कौन सा है जब तक उसका आणविक सूत्र पता ना हो जाए। अच्छा, अब अगला देखते हैं कि आणविक सूत्र क्या होता है। देखो अणु का सूत्र, नाम ही क्या है, अणु सूत्र, यानी मॉलिक्यूल का सूत्र, यानी अणुओं का सूत्र। तो अणु में क्या होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखो भाई साहब अणु है, यानी जैसे जल है तो जल एक अणु है, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी ये संपूर्ण परमाणुओं के, यानी भिन्न भिन्न जो परमाणु होते हैं उसकी सभी जानकारी आपको सही संख्या में दर्शाता है। इसमें तो लिखेंगे क्या कि वह सूत्र जो किसी यौगिक में, ठीक है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, या लिख सकते हैं वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है उसे हम यौगिक का आणविक सूत्र कहते हैं, यानी वो सही संख्या को बताएगा। विजय चौहान कह रहे हैं मिथेनॉल, वेरी गुड शाबाश, सही है, ऐसा ही आपको एक्टिव रहना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत आ रहा तो कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है, 100% कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये कह रहा कि अगर हमारे पास अणु है, जैसे जल है, तो जल का अणु सूत्र क्या लिखोगे, H2O, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि भाई साहब जल के अणु में 2 हाइड्रोजन है तथा 1 ऑक्सीजन है। जैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन है, ये आपको पता चलेगा, 100% पता चलेगा, यानी सही व्याख्या करेगा। बताया इसमें? तो वही है कि आणविक सूत्र क्या बताएगा, वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है उसे हम आणविक सूत्र कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा हमारे पास मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध, ये फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जैसे आप लोग का क्वेश्चन आता है आप लोग भाग जाते हैं, सबसे बड़ा ये टेंसर है ना। देखो कोशिश ये करिए कि आपका मूल अनुपात, देखिए न्यूमेरिकल आपका सही हो जाए, न्यूमेरिकल आपका तभी सही होगा जब आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो कोशिश करिए, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने की। ठीक है, देखिए मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध, ठीक है, यानी मूल अनुपाती सूत्र अगर दिया है तो उसको हम आणविक सूत्र में बदल सकते हैं या
उसका हम अणुसूत्र निकाल सकते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं। कह रहे कैसे, तो कह रहा अणु सूत्र बराबर जो होता है यन गुणे मूल अनुपाती सूत्र होगा। यन गुणे क्या होगा? मूल अनुपाती सूत्र। फिर खोपड़िया गर्म आ गया, कहेंगे भाई तो चलो ठीक है, लेकिन है यन क्या है, हमको ये नया टर्म आ गया भाई, यन क्या है, यन क्या होता है ना? तो यन क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो कहेंगे अरे मैंने पूर्णांक एक दो तीन चार होगा यही, लेकिन आएगा कहाँ से, कैसे निकालेंगे उसको? ठीक है, तो इसके लिए कह रहा है कि भाई एक फार्मूला लगा लो। कौन सा? तो लिखेंगे आणविक द्रव्यमान, यानी अणुभार का, यानी किसी भी तत्व का क्या लिख सकते हो, आणविक द्रव्यमान मतलब ऐसे लिख सकते हो अणुभार, यौगिक का अणुभार, ठीक है, बटे, ठीक है, मूल अनुपाती सूत्र भार। इसे क्या लिख सकते हो? मूल अनुपाती सूत्र भार। बात है इसमें? अच्छा 39.9% आया है, वेरी गुड, कॉपर का, चलिए ठीक है, शाबाश। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप लोग ऐसे ही एक्टिव रहिए, कोशिश करिए, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, और गारंटी लेते हैं कि आप कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप नहीं सुने होंगे, 100% क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो कह रहा अणुभार बटे क्या हो जाएगा भाई, मूल अनुपाती सूत्र भार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा कि ये तो हम ये निकाल लेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन जब लगाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। एक और फार्मूला है, अगर कोई वाष्प अवस्था में दिया है, क्या दिया है, वाष्प अवस्था में दिया है, तो उसके लिए आपका घनत्व दिया होगा, तो वाष्प घनत्व अगर दिया है तो आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 गुणे वाष्प घनत्व हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दे देता है और अणुभार पूछता है क्या होगा, ठीक है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर कि मूल अनुपाती सूत्र लिखना, यानी हम मूल अनुपाती सूत्र को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो कैसे, ठीक है, तो कह रहा है कि मूल अनुपाती सूत्र लिखने के जो नियम हैं, ठीक है, वो निम्नलिखित है, ध्यान से सुनेंगे, अभी इसको खाली एक बार इसको ऐसे गो थ्रू हो जाए, समझ जाइए क्या क्या है, ठीक है, फिर अभी जब मैं टेबल बना के समझाऊंगा फिर आपको कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला काम क्या कह रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम ग्राम में परिवर्तित करेंगे। पहला काम ये होता है कि अगर कोई परसेंटेज दिया है तो उसे हम ग्राम में क्या करेंगे, प्रदर्शित कर लेंगे। जैसे ये कहेगा कि 39% है, यानी इसका मतलब 100 में क्या है 13, यानी 100 ग्राम होगा, परसेंटेज मतलब क्या 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में कोई पदार्थ कितना है 39% है, मतलब 39 ग्राम है, बस इतना करना है, ठीक है, चलो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या को ज्ञात करते हैं, यानी द्वितीय पद में हमें क्या करना होता है, प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने कल वीडियो पूरा बनाया हुआ है, आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके आप उसे देख सकते हैं और आपका वहाँ पर 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैंने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कराए हैं, एक बार जरूर जा करके चेक करिए। चलिए अब कह रहा है कि मोलों की जो संख्या है वो बराबर क्या होगा, तो कहेंगे तत्व का भार बटे तत्व का अणुभार। तो अगर मोलों की संख्या निकालना होगा तो भार बटे अणुभार लगाएंगे। तो कह रहा अच्छा ठीक है, अणुभार मोलों की संख्या निकल गई तब, तो कह रहा कि सरलतम मोलर अनुपात निकालना है। अब कह रहा मोलर अनुपात मतलब मोलों की संख्या का अनुपात, तो कहेंगे ये कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना होगा कि जिसका तत्व के मोलों की संख्या निकालना होगा, ठीक है, यानी जिस तत्व का मोलों का मोलर अनुपात निकालना होगा उसे लिखेंगे तत्व के मोलों की संख्या। अभी टेंशन मत लीजिए, ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और बढ़िया है, आगे देखेंगे हम लोग जब चार्ट, तो ये समझ में आएगा, जिस तत्व के मोलों की संख्या निकालना होगा बटे, ठीक है, मोलों की संख्या में जो सबसे छोटी होगी, जैसे मान लो कई तत्व होंगे तो किसी का 1 मोल आ गया, किसी का 2 मोल आ गया, किसी का 3 मोल आ गया, तो जब सबसे छोटी संख्या होगी तो मोलों की जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी में भाग देना है, सबसे छोटी संख्या से क्या करोगे भाग दे दोगे, तो ये जो होगा मोलर अनुपात निकलेगा, क्या निकलेगा, मोलर अनुपात निकलेगा। बात है इसमें, यानी सरलतम मोलर अनुपात निकलेगा,
अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम सरलतम अनुपात निकालते हैं। बिट्टू निषाद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। अब कह रहा है अगला, कह रहा है कि सरलतम मोलर अनुपात तो निकल जाता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि भाई कहीं आ गया 2.5 आ गया, कहीं 3.5 आ गया, कुछ आ गया। तो कह रहा है ये तो ये कैसे होगा? तो कह रहा है इसका हम पूर्णांक संख्या लिखेंगे। कह रहे कैसे? तो कह रहा है अगर मान लो 2.5 है तो उचित संख्या से गुणा कर दो, यानी 2 से गुणा कर दोगे तो 2.5, यानी ये कैसे बदल जाएगा? तो कहेंगे 5 में। ठीक है, तो हम उचित संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, अभी परेशान होइए मत, इसको बस ऐसे लिखना है, एक बार समझना है। चलिए अभी आपको टेबल बनाऊंगा तो 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब कह रहा है ये पता चल जाएगा तब, तो कह रहा है मूलानुपाती सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे? मूलानुपाती सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र से आप क्या निकाल सकते हो? अणु सूत्र भी निकाल सकते हो। अब देखो, कभी कभी हमारे साथ धोखा हो जाता है कि कार्बन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है, और उनका योग जो है वो 100% नहीं होगा। तो कह रहा है यदि किसी आंकड़े में तत्वों की प्रतिशतताओं का योग 100 नहीं है, यानी जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है और उसका मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं आंख बंद करके पूछ लेंगे, नहीं, उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि टोटल 100 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कह रहा है अगर मान लो नहीं है तो वो शेष ऑक्सीजन होगा जो कि क्वेश्चन में नहीं देगा, कि क्वेश्चन में देगा। जैसे मान लो कह दे कि कार्बन जो है, मान लीजिए कार्बन कह दे कि भाई 25% है, और हाइड्रोजन कह दे, ठीक है, हाइड्रोजन कह दो मान लीजिए 25% है, ठीक है, तो 25-25 कितना हुआ? 50%। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन अभी अधूरा है, तो शेष हमें क्या मानना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीजन होगा 50%, जो कि क्वेश्चन में इसका नाम ही नहीं कहीं दिया होगा। ठीक है, इसका नाम ही कहीं नहीं दिया होगा, और कहेगा इसका मतलब क्या है, ये आपको एक्स्ट्रा अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा। चलिए ये तो हमने कर लिया भाई, बकवास, यानी जो नियम था उसको हमने समझने की कोशिश किया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो और भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब चालू करते हैं अपना बॉक्स बनाने का। अब यहाँ से आपका समझ में आना चाहिए, ठीक है, अगर ये आ गया तो हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब देखिए इसी टाइप से अगर यूपी बोर्ड में आप हैं तो यूपी बोर्ड में बता दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, सोचिए इसी से, यानी कह सकते हैं किसी यौगिक, क्वेश्चन लिखेंगे किसी यौगिक का प्रतिशत संघटन, प्रतिशत संघटन प्रतिशत संघटन निम्नवत है, क्या है? निम्नवत है। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम जो है एन ए वो कितना है? 43.4%। अभी देखिए एक ही बार में आप सीख जाएंगे निकालना, है ना। उसके बाद कार्बन जो दिया है वो 11.3% दिया हुआ है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका 45.3% दिया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब कह रहा है कि यहाँ पर यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत इजी टॉपिक है, इससे इजी तो मुझे कुछ लगता ही नहीं चैप्टर में, है ना। अब यहाँ पर एन ए बराबर कितना दिया है? एन ए बराबर जो है 23 जो है, और सी बराबर 12 है, और वो बराबर क्या है? 16 है। विजय चौहान कुछ कह रहे हैं, कितने मार्क्स का था? 3 ही मार्क्स का था शायद, है ना, देख हाँ मुझे जहाँ तक याद है वो 3 ही मार्क्स का था। ठीक है, चलिए ये हमने लिख लिया, और ये कह रहा है कि भाई साहब इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। तो कैसे करोगे? तो कह रहा है वही जो हमने लिखा है ना बवालो, ऊपर वाला, वही हमें बॉक्स में लिख लेना है। देखो यहाँ पर लिखेंगे तत्व, यानी एलिमेंट, क्या लिखोगे? एलिमेंट, और ऐसे लिखोगे लाइन। अब देखो मेरा लाइन इधर उधर जा सकता है क्योंकि गड़बड़ है, मतलब अभी सेट नहीं हुआ है हाथ, धीरे धीरे सेट हो रहा है। यहाँ तत्व हो गया, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशतता, क्या लिखोगे? प्रतिशतता, यानी परसेंटेज जो दिया हुआ था।
उसके बाद क्या लिखोगे, परमाणु भार, एक बॉक्स और बनाओगे, क्या लिखोगे, परमाणु भार, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। उसके बाद क्या लिखोगे, तो मोलों की संख्या, क्या लिखोगे, मोलों की संख्या, अभी आपको तुरंत समझ में आएगा, मोलों की संख्या, एक बॉक्स से ही समझ लीजिए बस। चलिए अगला देखिए, मोलों की संख्या के बाद क्या बताया गया कि सरलतम मोलर अनुपात निकालना है, सरलतम, सरलतम मोलर अनुपात, मोलर अनुपात। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरा राइटिंग सुपर स्टार वाला है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पहले समझ में नहीं आता, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ गया है कि हमें कैसे अच्छे से लिखना चाहिए। अब देखो मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा इधर उधर जा रहा है ना, भावनाओं को समझिए, सरलतम अनुपात। उसके बाद लिखेंगे सरलतम, और उसके बाद क्या है, सरलतम अनुपात अगर आ रहा है तो हमें पूर्णांक में बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे सरलतम, ठीक है, सरलतम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मोलर अनुपात, मोलर अनुपात। तो ये हो गया हमारा बायोडाटा जो इसमें भरना था, यानी अपने एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये दिया होगा, जैसे मान लो कह रहा है सोडियम है, तो आपको क्या है तत्व में ऐसे लिख लेना है, यहाँ क्या होगा सोडियम है। उसके बाद क्या दिया है कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन लिख लेना है, फिर एक लाइन छोड़ लेंगे ताकि थोड़ा कंजेस्टेड ना लगे, ऑक्सीजन है 16, ठीक है। अच्छा परसेंटेज कितना दिया भाई, 43% दिया हुआ है ना, देखिए 43 सोडियम कितना दिया है, 43.4%। उसके बाद कार्बन दिया है कितना, 11.3% लिख लेंगे, ऑक्सीजन दिया है 45.3%, कम हो गया, इतना ही ना लिखेंगे। अब परमाणु भार देखो, परमाणु भार ये बहुत शरीफ आदमी था, देखो पूरा दे दिया है, सोडियम का 23 होता है जो कि कभी कभी नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना होता है ना। उसके बाद क्या दिया, कार्बन 12 है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है भाई 16 है, ये हो गया। अच्छा मोलों की संख्या कैसे निकलता है, तो हम कहेंगे भार बटे अणुभार, ये ना होता है भार बटे अणुभार। अब ये जो परसेंटेज है, अगर इसी को हम ग्राम में लिख दें तो सब क्या हो जाएगा, भार ही तो हो जाएगा, कि 100 में 43.4 ग्राम, 43.4% है, यानी 43.4 ग्राम है। कार्बन 11.3 ग्राम है, ये 45.3 ग्राम है, यही ना, तो क्या करोगे भाग दे दो, 43.4 बटे क्या होगा 23, भाग दे दोगे, तो मोलों की जो संख्या है, या इसी को अपेक्षित संख्या भी लिखते हैं, तो इसको जब भाग दोगे तो आएगा 1.88, कितना आएगा 1.88। अब देखो यहाँ पर 11.3 है, और इसका परमाणु देखिए कार्बन का परिसत्ता कितना है 11.3%, यानी 11.3 ग्राम है, परमाणु भार कितना है 12, तो 12 से जब आप भाग दोगे तो आएगा 0.94, कितना आएगा 0.94, थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। अगला देख रहा है कि 45.3 है बटे कितना आ जाएगा 16, अब इसे जब आप भाग देंगे तो आएगा 2.83, क्लियर हुआ। अच्छा अब इसमें कहेंगे कि सरलतम मोलर अनुपात निकालना है ना, तो मोलर अनुपात कैसे निकालोगे, तो ये कहेगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है मोलों में, तो मोलों की संख्या में सबसे छोटी संख्या देखिए 0.94 है, यही ना है, तो इसी से सब में भाग देना है। कैसे लिखोगे, तो देखो 1.88 इसका हो गया लिख लिए, 0.94 हो गया इसका लिख लिए, 2.83 हो गया इसका ले लिए, ठीक है तीनों को लिख लेंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या 0.94, तो ऐसे लिखेंगे बटे 0.94 इसमें भाग देंगे, फिर लिखेंगे 0.94 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे 0.94 लिख लेंगे, हो गया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिख रहा है ना, विजुअल है, कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। अब इसको जब आप भाग देंगे तो देखिए 1.88 है, और इसको लिखोगे तो 0.98 है, तो 0.98 हटाओगे तो 188 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 188 बटे कितना हो जाएगा आपका 94, तो इसको आप भाग दे देंगे, तो जब आप भाग देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपका आएगा 2,
ये तो भाग दे दिया, इसको कहेंगे एक, और इसको जब आप भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी तीन। कितने आ जाएगी? तीन आ जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दो दिया है, एक दिया है, तीन है, यानी पूर्णांक ऑलरेडी है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे दो, यहाँ हो गया एक, और यहाँ हो गया तीन, आया बस में, यानी ये हमने निकाल लिया। अब इसको बॉक्स को ऐसे कर लेंगे क्लोज, काम हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा कौन सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो लिखेंगे कि यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र, यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र। तो मूल अनुपाती सूत्र कैसे लिखते हैं? तो तत्वों को लिख करके उसके बेस में क्या करेंगे आप, लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे सोडियम है, तो सोडियम का कितना आया है दो, तो उसके बेस में से एन ए टू। कार्बन का कितना आया है, तो देखिए कह रहा है एक, तो यहाँ पर एक। ऑक्सीजन का कितना आया है, तो कहेंगे तीन, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन तीन, तो इसी को कहेंगे एन ए टू सी ओ थ्री, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। बात है समय, बस ऐसा ही निकालना है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा, अब आपका मन कर रहा होगा कि एक और निकाल लेते तो हमारा मज़ा आ जाता, मतलब 100% हमें समझ में आ जाता, ठीक है। तो एक और निकाल करके हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, कह रहा एक यौगिक, एक यौगिक, एक यौगिक का प्रतिशत संगठन, का प्रतिशत संगठन निम्नवत है, यानी निम्नलिखित है, निम्नवत है, ठीक है। चलो ठीक, उसके बाद अगर देखें, उसके बाद अगर देखें, समझ में आ रहा विजय चौहान जी? चलिए ठीक है, वेरी गुड। और 11.2 है परसेंट, और हाइड्रोजन दे दिया है आपका 3.2%। अगर देखिए, आप कोशिश करिए, अगर आ गया तो आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में बताइए ज़रा इसका आंसर क्या आएगा। और कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है आपका 44.2% है, क्लियर हुआ? अच्छा, तो कह रहा है इस यौगिक का, इस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र, इस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। अब यहां पर दिया हुआ है एच, तो एच बराबर जो है आपका एक दिया है, ऑक्सीजन बराबर 16 दिया हुआ है, नाइट्रोजन बराबर 14 है, और क्रोमियम का होता है 52, है ना, ये दिया हुआ है ना। अब इसको हल करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। मतलब मैं तो हल कर रहा हूँ, पहले बॉक्स वॉक्स बनाऊँगा, तब तक आप बिना बॉक्स बनाए बनाए एकदम देखे उड़ा तो क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आप तत्व लिखेंगे, हो गया ये तत्व। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे भाई, परमाणु भार, क्या लिखोगे, परमाणु भार, ठीक। उसके बाद भाई क्या लिखोगे, तो मोलों की आपेक्षिक संख्या, मोलों की आपेक्षिक संख्या, या मोलों की संख्या खाली लिख लो, आपेक्षिक संख्या लिखो या संख्या, आपेक्षिक संख्या बात एक ही है। उसके बाद आपका सरलतम अनुपात निकालना पड़ेगा, तो सरलतम अनुपात हो जाएगा मोलर अनुपात, अनुपात। और उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांक होगा, क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं सरलतम, सरलतम
पूर्ण संख्या ठीक है, सरलतम पूर्ण संख्या मोलर अनुपात, क्या हो जाएगा मोलर अनुपात। ये हो जाएगा अनुपात, क्लियर हुआ। अच्छा अब ये हमने देख लिया, देखिए कोशिश करिए आप लोग लगा सकते हो इसका आंसर जो है आप मुझसे जल्दी दे सकते हो, क्योंकि देखिए मुझे बनाने में टाइम लग रहा है, मेरा कैलकुलेशन भी आपसे स्लो ही होगा है ना, क्योंकि आप एक पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट है तो आपको मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर लॉजिकल बात करें तो। देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का अगर यहाँ पर देखा जाए तो परमाणु भार नाइट्रोजन का प्रतिशतता कितना दिया है भाई 11.2। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए तो इसका दिया है 3.2। उसके बाद क्रोमियम दिया है, क्रोमियम का दिया 41.2 और ऑक्सीजन का जो दिया है वो कितना दिया है आपका 44.2 दिया है ना। अब देखिए जरा अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे था है ना, अगर क्वेश्चन में क्या कर दे एक मिनट, ऐसे अगर क्वेश्चन में क्या कर दे ऐसे 44 को हटा देगा एग्जाम में, अगर मान लीजिए ऐसे दे दे 44 देगा ही नहीं, तो ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि ऊपर से नीचे का सब जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर 100 आ रहा है, जोड़ने के बाद अगर 100 आ जा रहा है तो हमारे पास ठीक बात है, यानी ये जोड़ने पर 100 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो शेष ऑक्सीजन होगा, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे 100% होना चाहिए यहाँ से, क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परमाणु भार हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है भाई एक, हाइड्रोजन का परमाणु भार दिया है एक, तो यहाँ पर हो गया एक, सॉरी नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का एक है, क्रोमियम का 52 है और ऑक्सीजन का 16 है, ये हो गया परमाणु भार, चलो ठीक। अब आपको क्या है मोलों की आपेक्षिक संख्या निकालना है, तो क्या लिखोगे तो मोलों की संख्या बराबर क्या है तो भार बटे अणु भार, ये ना बताया गया भार बटे अणु भार या परमाणु भार, सॉरी यहाँ पर परमाणु रहेगा तो परमाणु भार लिखेंगे, तो भार बटे क्या हो जाएगा भाई परमाणु भार, ये ना होगा तो भार यानी कितना है 11.2 प्रतिशत, मतलब वही है भार यानी 14 हो जाएगा, तो 11.2/14 3.2/1, देखो ये मैंने बता दिया 3.1/1 बराबर कितना होता है 3.2 होता है, ये मैंने देखो कितना फास्ट लगा दिया, आप ऊपर वाला सॉल्व करके बताइए आंसर। और उसके बाद देखेंगे तो ये हो गया 41/2 तो 41.2/, ये हो जाएगा 52। अगला देखेंगे तो 44.2/ कितना हो जाएगा 16, क्लियर हुआ। अच्छा अब दोनों को सॉल्व करिए तो 11.2 आपका जो 2/2 आएगा 14 है उसको जब सॉल्व करोगे तो 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8, तो ये हो गया आपका 0.8, इसका आंसर आ गया कितना 3.2, ये तो मैंने पहले बता दिया था जो मतलब बहुत इजी था। और उसके बाद जो है अगला देखेंगे तो ये आपका 0.8 इसका भी आएगा और इसका आ जाएगा 2.8, इतना मोल आ जाएगा। अच्छा ठीक है तो अब क्या करोगे सबको ऐसे लिख लोगे 0.8 3.2 है ना 3.2 लिख लोगे, उसके बाद 0.8 लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, 2.8 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से देखना है भाई सबसे छोटा कौन, तो छोटा भीम कौन है तो 0.8 ही भीम है देखो, तो दोनों में है तो क्या करोगे भाग दे दोगे उसी से, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8/0.8, सब में भाग देना है 0.8 है ना और 0.8, तो अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 8, सॉरी 1, और इसको कहोगे तो 3 पॉइंट कितना था आपका 2,
तो 3.2 बटे 0.8 मतलब दशमलव हटाओगे तो 32 बटे कितना आ जाएगा 8, 8 चौक 32, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। देखिए मैं उससे पहले आप आंसर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं कमेंट करके जरूर देखिए। देखिए अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर अगर भाग दोगे तो ये हो जाएगा 28 बटे 8, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 3 आ जाएगा, दशमलव लगाओगे 4 बचेगा, 8 पंचे 40 आ गया, यानी अब आपके यहाँ 3.5 आ गया। तो फिर दिमाग खुपड़िया गर्म हो गया, कह रहे यार 3.5 आ गया, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आ गया, दशमलव में आ गया, तो इसे पूर्णांक बनाना होगा। तो पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तब ना होगा पूर्णांक। तो अगर इसमें 2 का गुणा कर रहे हो तो सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 2, इसमें 4 है गुणे 2 बराबर 4 दूनी 8, इसमें 1 है गुणे 2 बराबर 2, ये हो गया 3.5 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, यानी हो जाएगा 7। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो देखो ये हो गया आपका 7। यहाँ कोई डाउट है इसमें, तो ये हमने देख लिया इसको। अच्छा अब मूलानुपाती सूत्र लिखना है, क्या लिखना है मूलानुपाती सूत्र। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जब लिखेंगे, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, तो अगर मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लास 11th और 12th से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, जहाँ पर आपका अगर आप 11th में है तो 8 से 9 आपका डेली यहाँ पर क्लास चलता है, जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी देगा नॉलेज, ठीक है, और 100% आपका एनसीईआरटी गारंटी है आपका क्लियर करने की, ठीक है। तो अगर आप नेट है जेई है ये सब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। रीना यादव कह रही हैं कि NH2H8 है, हाँ। यहाँ पर शिवा शुक्ला कह रहे हैं कि क्या सर मैं 2 से ही गुणा कर सकता हूँ। हाँ देखिए आपको सबसे छोटी संख्या से गुणा करना होता है जिससे ये दशमलव वाला जो पार्ट है ये पूर्णांक में बदल जाए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या जो भी होगा उससे गुणा करेंगे, तो 2 ही सबसे छोटी संख्या है जिससे आपका आसानी से पूर्णांक मिल जा रहा है, इसलिए आप इसको लिखेंगे, ठीक है। रीना यादव कह रही हैं कि फार्मूला जो है N2 है, H8 है, O7 है, Cr2 है, ठीक है, Cr2 है, O7 है, सही है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मूलानुपाती सूत्र में क्या लिखोगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर कितना आ गया 2 हो गया। और उसके बाद अच्छा अगला क्वेश्चन भी आपको चाहिए इस टाइप का, या फिर आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, जैसा बोलिए, अगर आपको और एक आध एग्जाम्पल चाहिए तो एक एग्जाम्पल और देख करके देखते हैं, है ना, थोड़ा सा नया स्टैंडर्ड दूसरे तरीके से, अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर इसको इस टॉपिक के बाद समाप्त करते हैं। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन आपका देखेंगे तो 8 हो गया, और क्रोमियम आपका कितना हो गया तो 2 हो गया, है ना। देखिए नाइट्रोजन का कितना आ गया है यहाँ पर 2, तो नाइट्रोजन लिखेंगे 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का कितना है 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, और यहाँ Cr कितना है 2 Cr हैं जो भौकाल मार रहे हैं, तो 2 Cr हो गए, यहाँ Cr2 लिखेंगे इसके, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 7, तो O7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा O7, तो N2H8Cr2O7 होगा, बात आया समझ में नहीं आया, तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर हुआ, चलिए आया बात समय, चलिए। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप जरूर एक बार लाइक करके जाएंगे, ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो लेक्चर जब समाप्त होगा तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम देंगे जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं कि हमें पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है या क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है, या आपको क्या करना चाहिए, ये सब जरूर जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए, ठीक है, बोले लेक्चर समझ में आया है, अरे भाई हाँ या ना तो कुछ तो बोलिए, कम से कम इंटरेक्शन रहेगा, समझ में आया है,
चलिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए तब मिलते हैं कल 7 से 8। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, समझ में आ रहा है ना? या नया, देखो नया एग्जाम्पल आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, तो मैं अगला अगला एग्जाम्पल बताऊं, तो वो थोड़ा सा दूसरे तरीके का होगा, थोड़ा सा टिपिकल होगा, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको बोलिए, हाँ सर नेक्स्ट एग्जाम्पल करके बोलिए, तो मैं आपको अगला सवाल बताऊं, अदरवाइज जो है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। मतलब हाँ सर मतलब मत करिए, ये बताओ हाँ सर मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेक्चर को ऑफ कर दूं या फिर नया एग्जाम्पल बताऊं। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछना है तो आप प्लीज़ आप कमेंट करिए, अदरवाइज देखिए टाइम ज़्यादा हो चुका है ना, तो कुछ लोग ऐसे क्या होता है 1 घंटे से ज़्यादा जब पढ़ाने लगते हैं तो बोर हो जाते हैं ना, बोलते हैं कि अरे सर अब रहने दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जो है 1 घंटा बहुत काफ़ी होता है, 1 घंटे में काफ़ी कुछ हम सीख लिए हैं। बोलो जी, अगला टॉपिक चालू करें या फिर गुड नाइट? अब कोई नहीं बोल रहा। चलिए ठीक है, तो गुड नाइट, मिलते हैं कल। तो कल हम लोग बात करेंगे, देखिए कल मैं और 1-2 एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा, इसको और देखेंगे कल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए कल तो संडे है, कल आप होगा, कल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलाऊँगा, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना होगा तो आप 7 से 8 आ सकते हैं, जिसमें आपको 11th और 12th से चलिए ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं गुड नाइट सर, चलिए मिलते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शिवा शुक्ला बोल रहे हैं कि बताइए सर, चलिए ठीक है कल मिलते हैं। आपको कल तो आपका ये क्लास नहीं चलेगा, कल आपका ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास देखना होगा तो आप वहाँ पर 7 से 8 आ करके, वहाँ पर 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, तो आ करके उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो आपका लेक्चर मंडे टू सैटरडे आपका 8 से 9 चलेगा। ठीक है, तो आपको पूरा अगर NCERT क्लियर करना है तो आप आएंगे 8 से 9। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन, आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए और खुद भी ध्यान में रखिए, खाते पीते रहिए। ठीक है, देखो क्लास उसमें जो है आपका क्लास 12th का होगा, क्लास 11th का तो नहीं होगा, लेकिन बेसिक होगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए क्लास ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जब चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि स्टैंडर्ड हैं NCERT जो है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, जो NEET JEE का वो भी सॉल्व कराऊंगा, आपको 100% यहाँ पर नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर मतलब पढ़ने पर आप मजबूर हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए मैं हंसी मजाक कम करता हूँ तो इसलिए आपको शायद आपको सीरियस लग रहा होगा लेक्चर, तो थोड़ा धीरे धीरे आपको जब आदत पड़ जाएगी एक अच्छे मोड में पढ़ने की, है ना, तो शायद जो है आपको अच्छा रहेगा, लेकिन अब थोड़ा 2-4-10 दिन अब लगातार क्लास कर लेंगे ना तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो एक बार जरूर कोशिश करिए, ठीक है, रेगुलर रहने की, और यहाँ पर जो है आपको ये एहसास होगा कि देखो NEET एंड JEE बहुत बड़ी बात नहीं होती है अगर हम रेगुलर मेहनत करेंगे। ठीक है, रेगुलर अगर हम मेहनत करोगे तो पक्का है नीट निकालो, जे निकालो, सब कुछ। अब देखिए चंद्रयान जो है आपका 3 कल लॉन्च हुआ है, उसमें कितने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भाग लिए होंगे, जो पार्टिसिपेट किए होंगे, हमारा जो कह सकते हैं कल जो है मतलब आप देखे होंगे ना, तो आपको एक अजीब सा अनुभव होगा, जो कि बहुत खुशी आई होगी, लेकिन उसके पीछे क्या है, कुछ साइंटिस्ट अपना जीवन दिए हैं, मेहनत किए हैं, है ना, तो आप भी कोशिश करिए एक साइंटिस्ट बनने की। देखो होमगार्ड भाई साहब तो सब बन जाते हैं, पुलिस वाले तो मोस्टली बन जाओगे, लेकिन एक साइंटिस्ट बनोगे यार जलवा रहेगा आपका, तो कोशिश करिए साइंटिस्ट बनने की, है ना,
ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है।